हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैं बहुत दिनों से आपके साथ में पूरा वीडियो शेयर करना चाह रही थी मगर नहीं कर पा रही थी, और बहुत सारी क्लिप्स भी इसकी डिलीट हो चुकी हैं, तो मैंने सोचा धीरे धीरे वो भी डिलीट हो जाएंगी, तो आप लोगों के साथ में एक बार पूरा वीडियो मैं फास्ट में शेयर कर देती हूँ। तो मैं मैम के पार्लर में आ चुकी हूँ और अभी तक मैम को नहीं पता था कि मेरा भी कोई छोटा मोटा सा चैनल है। और ये अब जब मैं शूट करने लग गई तब मैम ने पूछा कि आप भी शूट कर रही हैं? मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैम, और अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं भी शूट कर लूँ। तो फिर मैम ने कहा ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप बना लीजिए वीडियो। और ये देखिए मैम ने भी शूट करना शुरू कर दिया, अपना लगा के फ़ोन स्टैंड करके रख दिया था। और मेरी लेयर कटिंग हो चुकी है, फ्रंट से लेयर कटिंग हो चुकी है, बिटिया नहीं थी तो वो शूट नहीं कर पाई थी मैं। और मैम बैक से मुझे कटिंग कर रही हैं और मैम ने अपने हिसाब से मुझे किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मैम का इतना सिंपली, इतना स्वीटली नेचर है ना, आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। मगर वीडियो देखने के बाद में आप लोग आराम से समझ गए होंगे कि सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और जैसा वो अपने चैनल पर दिखती हैं सेम उससे भी ज़्यादा स्वीट नेचर से उनका मैम का, क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिली हूँ और सारे लोग वीडियो पर देखते हैं, मैं भी देखती थी वीडियो पर, तभी लगता था कि मैम का कैसा नेचर है। और जब मैं मिली तो उससे भी ज़्यादा बेहतर नेचर है मैम का। और मेरे चैनल पर एक आध वीडियो पड़े भी हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा नकली ब्लॉगर्स हैं। चलिए थोड़ी सी बात कर लीजिए आप लोग भी मैम से और देखिए मैम कैसे कितना स्वीट तरीके से बात कर रही हैं, आप देखिए। और मैं बात करा रही हूँ। हेलो गाइस, आज मेरा सपना पूरा हो गया है। मुझे मैम से मिलने का अवसर मिला है और मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ मैम से मिल के। और बिल्कुल मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं फर्स्ट टाइम मैम से मिल रही हूँ, मुझे लग रहा है बहुत सालों से जानती तो हूँ वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, लेकिन मुलाकात मेरी फर्स्ट है। लेकिन इतना अच्छा नेचर है, इतना अच्छा नेचर है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते, जितना उसमें दिखते उससे भी ज़्यादा सही है। और ये आइए मेरे पास हेयर कट कराने, तो अभी हेयर कट भी कराऊंगी, थ्रेडिंग भी कराऊंगी मैं उससे। और ये इनका हेयर कट हो गया है, बस थोड़ा सा मैंने ट्रिम किया है। और बताइएगा मैं बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा इनका हेयर कट हुआ? तो देखा ना आप लोगों ने, सच में मैम का बहुत ही अच्छा नेचर है। और मेरे अब बाल ड्रायर लगाने लायक हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा गीले बाल थे तो बहुत ज़्यादा गीले बालों में ड्रायर नहीं लगाते हैं, तो ड्रायर लगाने कंडीशन में आ चुके हैं। तो मैम ड्रायर लगा रही हैं और बहुत सारी बातें मतलब मैंने की, मैं तो बिल्कुल चुप ही नहीं रह रही थी और मैम से मैं बातें करती जा रही थी। और मैम भी उसी तरीके से जो है मतलब पूरा ये नहीं कि मतलब नखरे दिखाएं या उस तरीके से, तो मैम भी बहुत ही इजली और बहुत ही मतलब लग ही नहीं रहा था मुझे, मैं फर्स्ट टाइम मैम से मिलने नहीं लग रहा था। मैं जो है बहुत बार मिल चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मैं जानती हूँ, और तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद में फिर मैम से मैंने थ्रेडिंग करवाई और अब कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है, तो मैम अपने चैनल पर बोलेंगी, तो आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छी कटिंग की है मैम ने, और कटिंग के बारे में तो मतलब मैंने मैम से ही ज्यादा सीखा था, उसे देख के वीडियो से। और मैम की कटिंग की तारीफ तो मैम तो खुद करती है ना कटिंग अपनी ये मतलब हर किसी में नहीं होता, सारे लोग नहीं कर पाते हैं। कटिंग तो मैं भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ लेकिन मैं कभी अपनी नहीं कर सकती, ये खासियत जो है सिर्फ मैडम ने कि मैं नहीं कर पाती है इसको। और ये देखिए इस तरीके से किया हुआ है, और मैं 3 स्टेप अपनी तरफ से कराने की मूड में आई थी, लेकिन मैडम ने इतना अच्छा मुझे सजेशन दिया कि आपके बाल जो है स्ट्रेट में हैं, बैलून बिल्कुल भी नहीं है, तो अच्छा वो उसका ज़्यादा अच्छा लुक नहीं आएगा हो सकता है। तो ये लेकिन जो मैम ने दिया है सच में परफेक्ट एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाय। दे
देखो मेरा ये फाइनल लुक, और मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरी इतनी एज हो गई लेकिन मुझे लग रहा है कि सही कटिंग मेरी पहली बार कटी और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। मैम से मिल के सपने जैसा लग रहा है, एकदम सपना पूरा हो गया कोई। और देखिए कटिंग भी कितनी अच्छी लग रही है, और अभी एक दो दिन में जब सेट हो जाएगी तब और भी अच्छा लुक आएगा। बहुत ही प्रिटी लुक लग रहा है मुझे, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेहंदी भी लग रही है, देखो कितनी सुंदर डिजाइन लग रही है। और ये मैम का आप लोगों ने तो टूर देख ही लिया होगा, बहुत ही अच्छा है। नहीं देखा है अगर मैडम के पार्लर का टूर तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, इसमें मैम ने बताया हुआ है। और ये मैम का फेशियल रूम है, ये फेशियल बेड है, और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। मैं मैम के लिंक शेयर करूँगी जिसमें मैम ने अपने पार्लर का टूर बताया हुआ है उसको। और आप लोगों का कभी भी कानपुर आना हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, आपको आके बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। और मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे आप लोग देखते होंगे YouTube पर कि बहुत लोग होते हैं कि मतलब बड़े यूट्यूबर से मिलने जाते हैं तो भाव कहते हैं ना कि ढूँढे नहीं मिलते हैं, लेकिन मैम का तो मतलब बिलीव ही नहीं कर सकते, जरा सा भी ये नहीं लगा मुझे मैं मैम से फर्स्ट टाइम मिली हूँ। और ये देखिए हाँ जला दीजिए, गोल्ड और सिल्वर बटन, वाओ। जिसको ले लोग सोचते हैं बिल्कुल देखो कितना प्यारा लुक लग रहा है, मतलब मैं आई थी तब कैसी लग रही थी और आप कैसी लग रही हो एकदम हीरोइन बना दी है मैम ने मुझे। और अब ये से मुझे लग रहा है मैं पाँच साल बैक हो गई हूँ, पाँच साल बैक हो गई मैं अपनी एज से। और बहुत ही प्यारी कटिंग की है मैम ने, आप लोग जब भी आए कानपुर एक बार कटिंग तो जरूर कराइएगा मैम से। नई बात भी सीख ली आपसे हमने, मतलब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब बस हाँ थोड़ा थोड़ा सा बस देखते देखते थोड़ा सा। हमें भी YouTube के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस हमने भी देख देख के टाइम भी नहीं मिलता है तो हम भी बहुत ज़्यादा।